हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि टाटा स्टील पार्टली पेड जो है राइट इशू के लिए लिस्ट हो चुका है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप किस तरीके से यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया था, आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर आपके शेयर ज्यादा हैं तो आप यूपीआई से पेमेंट नहीं कर सकते। अब इसके लिए आपको नेट बैंकिंग की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने इस वीडियो में क्या किया, मैंने नेट बैंकिंग के जरिए आप कैसे आसानी से पेमेंट कर सकते हैं उस तरीके को इस वीडियो में मैंने दिखाया है। इसीलिए दोस्तों, आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो मैंने बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाया है कि आप किस तरीके से आप नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों, ब्राउजर ओपन कीजिए और वही लिंक intime.co.in वेबसाइट पर विजिट कीजिए। विजिट करने के बाद आपको नीचे आना है और राइट इशू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट प्लेन पेपर पर जाना है, टाटा स्टील को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर अपना डीमैट अकाउंट आईडी 16 अंकों की जो होती है वो डाल देना है, मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर टाटा स्टील दोबारा से सिलेक्ट करना है, डीपी आईडी को फिर से डाल देना है, उसके बाद पैन नंबर को डाल देना है। पैन नंबर को डालने के बाद दोस्तों, रेजिडेंट जो है वो इंडियन ही रहने देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को डाल देना है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके शेयर्स यहां पर दिखाई दे जाएंगे, जितने आपके शेयर्स होंगे डीमैट अकाउंट में। उसके बाद आपको नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड में जितने शेयर्स हैं वो डालने हैं, जैसे यहाँ 286 है तो इतने ही डाल दीजिए। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको बैंक डिटेल भरनी है। इस बार हम नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हैं तो नेट बैंकिंग के डिटेल भरनी है। आपको यहाँ बैंक सिलेक्ट करनी है, इसके बाद आईएफएससी कोड डाल देना है। आईएफएससी कोड डाल देने के बाद आपको जो नेम ऑफ अकाउंट होल्डर है, इस पर जो आपके अकाउंट पर नाम है वो डाल देना है। अकाउंट टाइप जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, उसके बाद उसे रीएंटर कर देना। अगर इसमें आपने वो नेट बैंकिंग का अकाउंट नंबर डाला है जो आपके डीमैट में लिंक नहीं है तो आपको कैंसिल चेक लगाना होगा। अदरवाइज आपका डीमैट अकाउंट में जो बैंक अकाउंट लगा हुआ है वो सेम है तो आपको यहाँ पर चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली लिख कर आ जाएगा। इसके बाद ये रिडायरेक्ट हो जाएगा आपकी नेट बैंकिंग में। आपको यहाँ नेट बैंकिंग आपको जिसका भी हो, आप उसमें यूज़र नेम पासवर्ड जैसे भी लॉगिन करते हैं उस तरीके से लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपका अमाउंट वगैरह सब कुछ लिख कर आ जाएगा। यहाँ पर इसके बाद आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको रिमार्क ऐसे खाली छोड़ सकते हैं और सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद शायद से आपके में भी ओटीपी आए। ओटीपी आने के बाद डाल दीजिए, उसके बाद ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल लिखकर आ जाएगा इस तरीके से जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बस दोस्तों, आपका काम हो चुका, आपका पेमेंट कट गया। इसके बाद आपको जो एक रसीद मिल जाएगी, रिसिप्ट मिल जाएगा जिसमें आपकी डिटेल्स होंगी। दोस्तों ये देखिए, आपको मेल भी आ जाएगा, मेल में भी सेम डिटेल आपको देखने को मिल जाएंगी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई करने की। और दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो और काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आगे भी ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने की कोशिश करता रहूंगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना।